हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लैब स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे चीज़ों को देखते होंगे, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ वुड, या फिर भोजन का पकना, ठीक है, वाटर का बॉयल होना और बॉयल होने के बाद वेपर बनना, या फिर वाटर का कूल होना, ठीक है, ठंडा होना, या फ्रीज होना, फ्रीज होने के बाद आइस बनना। ये सब बहुत सारे चीज़ आप डेली लाइफ में देखते होंगे, तो आपको लगता होगा कि आखिर ये सब चीज़ हो क्या रहा है। तो जनरली यही सब जो है ये रिएक्शन है, ठीक है। अब आप देखे होंगे कि रिएक्शन भी कितना तरह का होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि बर्निंग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का जलना। अब अगर कोई लकड़ी जलता है तो जलने के बाद वापस उस पोजीशन में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। या फिर बर्निंग ऑफ कैंडल। अब कैंडल देखिए, कैंडल बर्निंग होता है तो अगर कैंडल मेल्ट होता है तब तो वो रिटर्न वापस पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन अगर बर्निंग होता है, जल जाता है या फिर जल के उड़ जाता है सराउंडिंग में, तब वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो कई ऐसा चेंजिंग देखते होंगे, या फिर देखते होंगे आप कि वाटर का बॉयल होना, बॉयल होने के बाद वेपर बनना, वेपर बनने के बाद गैस बनने के बाद फिर से वो क्या होता है, फिर से वो वाटर बन जाता है, या फिर वाटर जो है आइस में चेंज होता है अपने डेली लाइफ में। तो आपको लगता होगा कि ये हो क्या रहा है। जनरली यही सब सारा चीज़ जो है ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो जनरली जितना भी मैंने आपको बताया, ये कुछ आपका फिजिकल चेंज था, कुछ आपका केमिकल चेंज था, ठीक है। तो कौन सा फिजिकल चेंज होगा, कौन सा केमिकल चेंज होगा, इसके बारे में भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा फिजिकल चेंज होगा, तो फिजिकल चेंज हम उसको बोलेंगे जो रिवर्स हो जाए, ठीक है, जो रिवर्सिबल हो। और केमिकल चेंज किसको बोलेंगे, जो ई रिवर्सिबल होता है। अब जैसे देखिए, मैंने आपको बोला कि वाटर बॉयल होने के बाद वेपर बनता है, अब वेपर बनने के बाद फिर से वाटर बन जाता है, तो फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम केमिकल चेंज का बात करें, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको लिया था कि वुड लकड़ी का जलना, या फिर भोजन का पकना, भोजन पकने के बाद, भोजन बनने के बाद वापस हम भोजन को रिटर्न नहीं कर सकते, वापस हम चेंज नहीं कर सकते उसको उस पोजीशन से जिस पोजीशन की में हम उसको पकाना स्टार्ट किए थे। तो वो कौन सा चेंज हुआ, केमिकल। तो केमिकल चेंज जो होता है इरिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो यही है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि फिजिकल चेंज, तो जितना भी मैंने ये केमिकल रिएक्शन होता है वो या तो फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज होगा, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको एक्टिविटी 1.1 दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, एक्टिविटी 1.1 ये, ठीक है। अब इस एक्टिविटी के अनुसार, इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए, ठीक है। देखिए, मैग्नीशियम रिबन लेने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। अब देखिए, इसको क्लीन करना क्यों जरूरी है, आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर होता है, तो उसको हम लोग साफ करने के लिए क्या करते हैं, उसको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब मैग्नीशियम रिबन हम लोग ले लिए, अब उसको इस जो इसको हम लोग टोंग्स बोलते हैं, उससे हम लोग होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, ठीक है, उसको जलाएंगे। उसके बाद उसको जलाने के बाद देखिए, यहाँ पे जो आपको कंटेनर दिख रहा है ना, ये देखिए, जलने के बाद जो है ये उसका एस राख जो है यहाँ पे जमा हो गया इस कंटेनर में, ये आपका वाच गिलास जो है इसमें जमा हो गया, ठीक है। अब जमा होने के बाद क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखते हैं, है ना। तो इस पेज में हम आएंगे, इस पेज में आने के बाद आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब मैंने मैग्नीशियम रिबन को डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलाया तो वाइट पाउडर में चेंज हो गया, ठीक है। अब वाइट पाउडर में चेंज हो गया, तो यही पाउडर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये जो है, मैं ये रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन किया, तो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ होता है, एयर में प्रेजेंट होता है। सेम देखिए एक्टिविटी 2 के बारे में, इसमें क्या है, लीड नाइट्रेट को हम लिए, यहाँ पे लीड नाइट्रेट आपको दिख रहा है ना, लीड नाइट्रेट को लिए, ठीक है। लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर पोटासियम आयोडाइड लिए,
तो क्या रिएक्शन बना। या फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्टिविटी 1.3 है, यहाँ पे क्या किए कि कुछ जिंक ग्रेनुअल्स को लिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जिंक ग्रेनुअल्स है उसको लिए एक कॉनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किए। अब ऐड करने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं, ठीक है, इस या फिर क्या देख पा रहे हैं, या फिर हम लोग टेस्ट ट्यूब को या कॉनिकल फ्लास्क में जिसमें हम लोग हाइड्रोलिक एसिड को लिए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को, तो हम क्या देख पा रहे हैं, टच करने के बाद हमें क्या फील हो रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं ना, तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये जो एक्टिविटी आप 1.2 और 1.3 आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो एक्टिविटी मैंने किया तो उसमें कुछ तो चेंजिंग हो रहा होगा, है ना। तो यही चेंजिंग जो है आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इस दोनों एक्टिविटी, ये तीनों एक्टिविटी से हमको ये तो पता चल गया कि इस रिएक्शन में या तो उसका स्टेट चेंज हो रहा था या हो रहा होगा, कलर चेंज हो रहा होगा, या फिर गैस गैस में चेंजिंग हो रहा होगा, या टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, ये तीनों एक्टिविटीज हमको ये तो पता चल गया कि इस टाइप का चेंजिंग जो है हमको इस टाइप का रिएक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितना भी चेंजिंग आपने देखा उसको हम किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सिंबल, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, तो ये तो था आपका जितना भी मैंने पढ़ा केमिकल रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन कि केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जैसे देखा, देखिए एक्टिविटी वन में हम बोले कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाए, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम रिबन को जो हम जलाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसको हम केमिकल इक्वेशन में दिखाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर इसको हम केमिकल रिएक्शन को अगर हम सेंटेंस में लिख के दिखाएं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना केमिकल रिएक्शन को अगर हम सेंटेंस में लिख के दिखाएं, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, या फिर बहुत ही डिस्क्रिप्शन में उसको लिखना होगा। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, इट कैन बी रिटेन इन अ शॉर्टर फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह से लिखा हुआ है, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में जो था वो रिएक्टेंट था, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, देखिए मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और जो नया सबस्टांस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है ना, अब इसको रिएक्टेंट साइड को हम लोग LHS से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है LHS प्लस साइन, तो ये जो आपको रिएक्टेंट दिख रहा है इसको हम LHS से दिखाते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है। LHS का मतलब, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब RHS, RHS क्या हुआ, तो ये प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट आप देख पा रहे होंगे ना, इसको हम लोग RHS बोलते हैं, है ना, RHS बोलते हैं। तो हम लोग इसको भी अगर इस फॉर्म में, जो प्रोडक्ट के साइड अगर एक या एक से ज़्यादा आपका एलिमेंट हो या प्रोडक्ट हो, तो हम लोग प्लस से दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को बीच में प्लस साइन लगाया है ना, तो यहाँ पे दो एलिमेंट था इसीलिए हम लोगों ने उसे प्लस लगाया। अब फिर प्रोडक्ट साइड को हम एरो से दिखाते हैं, तो ये होता है आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है प्रोडक्ट साइड का, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अब केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में हम देख लें। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्शियस। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो जो है आपका किससे बनता है, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्शियस एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेंट ऑफ वर्ड केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसको, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अगर हम उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दे, तो ये क्या होगा, हमको समझने में आसानी होगा और इसे लिखने में भी हमें ईजी पड़ेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, तो हम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैंने जो एक्टिविटी वन में रिएक्शन करवाया था। ठीक है, देख लीजिए, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, आपको दिख रहा होगा कि ये आपका मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना।
ठीक है, तो आपको दिख रहा है। अब ये तो आपका रिएक्टेंट साइड है, जो आपको ए में एम जी प्लस ओ टू दिख रहा है, ये तो रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड है, और एम जी ओ जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका प्रोडक्ट साइड होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एल एच एस, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, आर एच एस, ठीक है। ये दोनों साइड, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड जो है, इसका मास जो है सेम होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इज़ द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड, इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दोनों साइड क्या हो, सेम नंबर ऑफ मासेस हो, ठीक है, तो किसका, एलिमेंट का, तो उस इक्वेशन को हम बैलेंस बोलेंगे। अगर नहीं हो, इफ नॉट, तो इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, तो इक्वेशन कैसा होगा, अनबैलेंस्ड होगा, ठीक है, अगर मास सेम नहीं होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो ठीक है ना। अगर ये अनबैलेंस्ड हुआ है ना, अगर ये अनबैलेंस्ड हुआ, तो इस टाइप का केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हुआ, तो उसको हमको बैलेंस करने का भी ज़रूरत होगा, ठीक है ना। अब बैलेंस करने का क्यों ज़रूरत होगा, ये भी एक सवाल है कि बैलेंस करने का उसको क्यों ज़रूरी होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने क्लास 9 में इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मास ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब अगर मास क्रिएट नहीं किया सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता, इसका मतलब क्या है कि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जितना मास प्रोडक्ट में होगा, उतना ही मास आपका रिएक्टेंट साइड भी होना चाहिए, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा ना। अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं फॉलो करता, तो उसको हमको बैलेंस करना होगा, और उसको लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना होगा, है ना। तो इसीलिए हमको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका एक इक्वेशन लिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना, तो इसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे सारा एलिमेंट लिख लिया। अब एल एच एस के साइड कितना एलिमेंट है, आर एच एस के साइड कितना एलिमेंट है, उसको मैंने लिखा, तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड कि जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और सभी जो है वो आपका रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड इक्वल है, देख पा रहे होंगे आप, तो ये इक्वल है, तो बैलेंस्ड है। तो जो इक्वेशन बैलेंस है, उसको तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। क्या है ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन, इसके बारे में हम बात करते हैं जनरली, तो ये आपका अनबैलेंस्ड है, ठीक है, ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जितना भी एलिमेंट है आपको, ये सबको हम एक रेक्टेंगल बॉक्स में के अंदर रखेंगे, उसके बाद हम एलिमेंट को लिखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एलिमेंट को मैंने लिखा, और हम चेक करेंगे बारी बारी से कि आयरन यहाँ पे एल एच के साइड 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना, आर एच एस में देखेंगे यहाँ पे 3 है, 2 है, 4 है। तो देख पा रहे होंगे कि आर एच एस में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ज़्यादा है, और एल एच एस में कम है। तो हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जिधर होगा, उधर ही से हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन में 4 है, तो 4 है, तो हम यहीं से ऑक्सीजन से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्टेंट में, तो H2O की तरफ हम देखते हैं, H2O की तरफ अगर हम 1 × 4 कर दें, है ना, 1 × 4 कर दें, ये देख पा रहे होंगे आप कि 1 × 4 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 4H2O बन गया। अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे कभी भी आप कोफिशियंट के अलावा कहीं पे मल्टीप्लाई ना करें। जैसे आप यहाँ पे दिखा रहा है कि 4H2O, ठीक है, या 4H2O, तो आप मल्टीप्लाई हमेशा उसके कोफिशियंट में करें, ठीक है ना। ये जैसे आपका यहाँ पे 4 दिख रहा होगा, कभी भी आप इस तरह से ना लिखें या इस तरह से ना लिखें, ये आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखें, तो ये एक काम तो मेरा हो गया। अब आगे चलते हैं, है ना, अब आगे चलते हैं, फिर से हम पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, पार्शली बैलेंस्ड है, मतलब पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, पार्शली बैलेंस्ड हो चुका है। तब हम आगे देखेंगे,
कि क्या होता है। तो आगे हम देखेंगे, उसके बाद फिर से चेक करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि आपका जो हाइड्रोजन आइटम को कि हाइड्रोजन आइटम यहाँ पे आपका क्या है, तो अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन आइटम में देखेंगे तो हाइड्रोजन आइटम में क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, फिर से हम इसको चेक करेंगे कि अब बैलेंस कम्प्लीट हुआ कि नहीं। अभी भी देख रहे हैं कि मेरा एक बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है। तो यहाँ तो आपने देखा कि हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब हम मेरा एक और आयरन बचा है, ठीक है, तब आयरन को बैलेंस करेंगे। तो आयरन कितना है, 3 है, तो 3 हमको यहाँ पे आयरन में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आयरन में 3 मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड, आप देख पा रहे होंगे इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस ये आपका देख पा रहे होंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका ये इक्वेशन जो है टोटली बैलेंस हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इक्वेशन जो है टोटली बैलेंस हो गया। अगर आपको ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं समझ में आया होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है जिससे आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और है कि राइटिंग सैम्बल ऑफ फिजिकल स्टेट। अब बैलेंस करने के बाद हम उसको सैम्बल भी लिखते हैं। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट है उसको सॉलिड में, जैसे Fe जो है यहाँ पे आपका वो तो सॉलिड है तो उसको हम बगल में सॉलिड लिख देंगे। अब जो गैस है उसको हम G लिख देंगे और जो लिक्विड है उसको हम L लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम उसका फिजिकल स्टेट को भी हम लिखेंगे, है ना। अब देखिए कभी कभी आपको देखने को क्या मिलेगा, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा एक्वस, AQ। ठीक है, जैसे वाटर, वाटर क्या होता है, एक्वस होता है, वाटर होता है, तो AQ भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन उसका फिजिकल स्टेट में जनरली मैंने जो आपको बताया, अगर सॉलिड है तो S लिखेंगे, है ना, और अगर गैस है तो हम G लिखेंगे, और अगर आपका लिक्विड है तो L लिखेंगे, बस। ठीक है, आप इतना ही समझिए फिलहाल, अब आगे देखते हैं। जब कोई भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन करता है तो किससे रिएक्शन कर रहा है उसको हम लोग एरो के ऊपर से भी दिखा सकते हैं और नीचे से भी, मतलब एरो को ऊपर नीचे दोनों तरफ से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को जिस चीज़ से वो रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उसको हम एरो के ऊपर नीचे से दिखाते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको, अब देखते हैं आगे। अब देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। अब एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों क्लीन करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि उसके उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट लेयर होता है। अब उस वो अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट लेयर होगा तो वो जनरली बर्न करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, उसको क्लीन कर देंगे और आसानी से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो आप इसे कोशिश करके देखिएगा, अगर बैलेंस होता है तो ठीक है, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसे कमेंट कर दें कि मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में प्रॉब्लम है, तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको ये आसान पड़ जाएगा, है ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं फिर क्या है। और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, क्या होता है ये। तो जनरली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को अगर हमको डिफिनेशन लिखना होगा तो डिफिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे, कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम प्रोड्यूस न्यू सबस्टांस, है ना। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जो अपना बॉन्ड को ब्रेक कर दे या फिर बॉन्ड को बना ले और किसी के साथ, किसी एलिमेंट के साथ वो ऐड हो जाए और एक कंपाउंड बना ले या फिर न्यू सबस्टांस बना ले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल न्यू सबस्टांस बना ले तो केमिकल रिएक्शन हम लोग उसको बोल सकते हैं, है ना। तो अब ये कितने टाइप का होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है कम्बिनेशन रिएक्शन, तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो स्मॉल अमाउंट में आप कैल्शियम ऑक्साइड को लीजिए। ठीक है, अब धीरे धीरे उसको वाटर में क्या कीजिए, ऐड करिए। ठीक है, अब बीकर को उसके बाद आप टच करके देखिए, तो देखिए पाइएगा आप कि कुछ टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है, यानी हो सकता है वो हीट हो जाए, है ना। तो इस तरह से क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या किए हम, कैल्शियम ऑक्साइड को लिए, वाटर में ऐड किए। ठीक है, तो क्या हुआ, स्लेग लाइम बना। अब देखिए AQ यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख गया ना, आपको AQ यहाँ लिखा हुआ दिख गया। AQ मतलब एक्वस, मतलब एक्वस में वाटर में ऐड है कोई सबस्टांस या कोई कंपाउंड, तो AQ हम उसको लिखते हैं जनरली। ठीक है, तो ये आपको दिख गया।
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में मिलाएं तो सिलेक्ट लाइम बना और हीट जो है उससे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। तो हीट प्रोड्यूस हुआ तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप का रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है क्या हुआ, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। अब एक नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन को सच रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एड कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसा सबस्टांस, ऐसा रिएक्शन जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को मिल करके एक नया सबस्टांस, एक नया कंपाउंड बनाता है, तो उसको हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, इसमें देख पा रहे होंगे कि दो यहाँ कंपाउंड है, दोनों मिलकर के एक नया कंपाउंड बन गया। तो ये क्या हुआ, कम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो गया, दो अलग अलग कंपाउंड कंबाइन हो गया और मिलकर क्या बना, एक नया सबस्टांस बना, नया कंपाउंड बना, तो उसको हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए और भी कुछ एग्जांपल हैं केमिकल रिएक्शन के। देखिए उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए तो ये सॉल्यूशन जो है सेलेक्ट लाइम, ये रिएक्शन जो है 1.13 में आपको जो रिएक्शन दिखा यहाँ पे, ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, ठीक है, ये वाला रिएक्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रिएक्शन जो है इसको हम लोग वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये वाइट वॉशिंग के लिए क्यों यूज करते हैं देख लेते हैं हम, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये रिएक्ट करता है स्लोली किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एयर के प्रेजेंस में, ठीक है। अब वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो उसमें के ऊपर थिन लेयर, पतला लेयर बन जाएगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, किसमें, तो दीवार में। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 2 या 3 दिन के बाद वो कैसा शाइनिंग देने लगता है, वाइट वॉशिंग या फिर शाइनी फिनिश दीवार को देने लगता है, तो जो है सुंदरता बढ़ा देता है किसी भी वॉल का, दीवार का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसको वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना, और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया तो वाल वाल मतलब दीवार को वो शाइनिंग सरफेस देता है, तो इसीलिए हम लोग उसको वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये वाटर है तो वाटर भी उससे क्या होता है, रिलीज होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है। अब आगे बात करते हैं, उसी तरह कुछ रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे कार्बन आपको दिख रहा है, बर्निंग ऑफ कोयल, कार्बन है, अब कोयला में तो कार्बन होता ही है, अब ऑक्सीजन के साथ ऐड करेंगे मतलब हीट करेंगे, जलाएंगे उसको, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2, ये सारा क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है ना। आगे चलते हैं, अब देखिए आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिख रहा होगा। अब देखिए अगर हम एक सिंपल भाषा में कम्बिनेशन रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वेन टू और मोर सबस्टांस, सबस्टांस मतलब एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है, चलिए आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं, है ना। देखिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब किसी भी रिएक्शन में, किसी टाइप का रिएक्शन में अगर क्या हो हीट निकले तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब एक्स मतलब क्या होता है कि हीट रिलीज करना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, जिसमें तो जनरली डाउट होने का बात ही नहीं है क्योंकि एक्स मतलब भी होता है क्या, छोड़ना, ठीक है। और छोड़ना तो क्या छोड़ना है, यहाँ पे हीट छोड़ना, हीट रिलीज करना है ना, तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब जैसे कुछ एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, तो ये भी आपका एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, तो आप तो जानते हैं एक्सीलरेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि इंसान को जीने के लिए एनर्जी का ज़रूरत है। अब एनर्जी कहाँ से आता है, तो भोजन से आता है, भोजन जो हम खाते हैं। अब भोजन डाइजेस्ट होने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा में वो चेंज हो जाता है, जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब। अब ये सब क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटने के बाद, ब्रोकन होने के बाद ग्लूकोज बनाता है।
अब ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के हमारा बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। इसको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, क्या है वो? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यही प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन होता है, उसी का यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है ना। ये आपको ग्लूकोज है, ये आपका ऑक्सीजन है, अब उसके साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमको मिल गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, द कंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कंपोज्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। अब अगर हम वेजिटेबल को डीकम्पोज करते हैं तो वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है ना। चलिए अब देखिए, अब आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.5 को पहले हम देखते हैं कि ये क्या बोलता है। फिर बोल रहा है कि 2 ग्राम आप फेरस सल्फेट लें, ठीक है, किसके साथ? ड्राई बॉयलिंग ट्यूब में, ठीक है। फेरस सल्फेट आप 2 ग्राम लीजिए, किसमें? तो ड्राई बॉयलिंग ट्यूब में। अब उसका कलर को आप नोट करें कि किस टाइप का कलर आपको वो दे रहा है। अब हीट द बॉयलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर, स्पिरिट लैम्प इज शोन इन फिगर। तो उसको हीट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो किस तरह का कलर आपको मिल रहा है उसके बारे में यहाँ बोला है। तो देखते हैं, रिएक्शन से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस एक्टिविटी में फेरस सल्फेट को लिया, अब उसको हीट दिए, अब हीट देने के बाद फेरिक ऑक्साइड बन गया, और वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी निकला है ना। तो इस रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट। तो सिंगल रिएक्टेंट जो है, देखिए आप, ये सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक करने के बाद सिंपलर प्रोडक्ट में चेंज हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब ही हो जाता है टूटना, तो इस तरह का रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन में जो है, जब फेरस सल्फेट, यहाँ पे दिख रहा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है वाटर के साथ हीट किए, तो वो क्या हुआ? कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। तो क्रिस्टल का कलर तो चेंज हुआ ही, साथ ही साथ वो डिकम्पोज हुआ फेरिक ऑक्साइड में। देखिए फेरिक ऑक्साइड में वो डिकम्पोज हुआ, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हुआ और सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज हुआ। जहाँ पे फेरिक ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है, और जबकि SO2 और SO3 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है? गैस है। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमको डिकम्पोज कराना है तो कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट किए तो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। ये जनरली कहाँ पे यूज होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम और क्विक लाइम, इट हैज़ मेनी यूजेस। वन इज मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरियड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो वैसा रिएक्शन जो जिसको हम हीट करने के बाद को डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होता है या फिर नया सब्सटेंस में चेंज होता है, तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्मल मतलब ही होता है हीट होना, है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक एक्टिविटी हमको यहाँ पे और दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है? 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर, ठीक है, इन अ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब में हम 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर लेंगे, ठीक है। अब उसको किसके साथ होल्ड करके रखेंगे? तो टोंग पकड़ने वाला जो होता है, ठीक, हैंडल जिसको बोल सकते हैं, और उसको हीट करेंगे। किसमें? आग में। अब देखेंगे इसमें क्या चीज़ का चेंजिंग आया है ना। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो ऑब्जर्व इमिशन ऑफ ब्रोम फ्यूम, दिस फ्यूम आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हम देख पा रहे हैं कि जब 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर लिया और वो बॉइलिंग ट्यूब में हम उसको रखे, तो नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड का ब्रोम फ्यूम निकला है ना। चलिए अब इसका रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे लीड नाइट्रेट लिए, हीट किए, तो लीड ऑक्साइड बना और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, ऑक्सीजन भी उससे निकला, ठीक है। लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका निकला, इसका जो है कलर ब्राउन था, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, क्योंकि एक ही सबस्टांस है, एक ही कंपाउंड है, जिससे क्या हो रहा है? डिकम्पोज होकर के बहुत सारा सबस्टांस बन रहा है, 2 और मोर देन 2, है ना। चलिए एक्टिविटी 1.7 देख रहे हैं आप। देख 1.7 में आप देख पा रहे होंगे कि प्लास्टिक मग लीजिए, ठीक है, एक प्लास्टिक मग लीजिए, उसमें 2 होल करिए। देखिए इस तरह से होल करना है। अब होल करने के बाद 2 वहाँ पर रबड़ स्टॉपर को आप उसमें फिट कर दें, ठीक है।
इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड, अब उसके अंदर कार्बन इलेक्ट्रोड का रख दें, ठीक है। अब उसके साथ दीज इलेक्ट्रोड 6 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट कर दें, 6 वोल्ट बैटरी देखिए यहाँ पे कनेक्ट है, उसको आप कनेक्ट कर दें, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, ये फिल द मग विथ वाटर, अब मग को वाटर से भर दें, ठीक है। डेट इलेक्ट्रोड आर इमर्ज्ड, अब उसके अंदर इलेक्ट्रोड इतना पानी भरें कि वो इलेक्ट्रोड जो है पूरा तरह से डूब जाए। अब कुछ ड्रॉप जो है डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, वाटर में ऐड कर दें, है ना। अब दो टेस्ट ट्यूब के को ले करके, देखिए यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब दिख रहा होगा, इसके अंदर ये दो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब दो टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर टू कार्बन इलेक्ट्रोड, इसके अंदर पानी भर दीजिए टेस्ट ट्यूब में और उससे उसको इलेक्ट्रोड को क्या कर दीजिए, उसके अंदर ढक दीजिए, है ना। अब आप देखेंगे उसके अंदर बबल्स निकलना स्टार्ट हो गया है दोनों इलेक्ट्रोड में, और वहाँ से पानी जो है डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड बाय द सेम बोथ टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में जो जो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस है वो दोनों सेम है, तो ये पूछा है इसमें। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड द रिस्पेक्टिव गैस रिमूव देम केयरफुली, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब जो है उसमें गैस फिल है पूरा, तो उसको धीरे धीरे उसको हम हटाएंगे क्योंकि उसमें गैस फिल है। टेस्ट दीज गैसेज वन बाय ब्रिंगिंग इन बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसके बाद हम जो उसमें गैस भरा हुआ था उसके बारे उसको हम जांच करेंगे कि वो कौन सा गैस है, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.8 देखिए, तो 2 ग्राम आप क्लोराइड लीजिए, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए, सिल्वर क्लोराइड तो आपको पता होगा 2AgCl, है ना, 2AgCl लीजिए। तो व्हाट इज द इट्स कलर, अब देखिए 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड जब लिए चाइना डिश का, चाइना डिश में, ठीक है, इसका कलर क्या था। अब उसको चाइना डिश को सनलाइट के प्रेजेंस में रख दीजिए कुछ समय तक के लिए, अब उसका कलर को ऑब्जर्व कीजिए कि कलर उसका क्या हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, तो आप देख पा रहे होंगे वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, तो वाइट सिल्वर क्लोराइड जो आपने लिया था वो कैसा हो गया, तो ग्रे कलर में चेंज हो गया सनलाइट के प्रेजेंट में, तो ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इंटू सिल्वर, ठीक है, क्लोरीन बाय सनलाइट, तो ये डिकम्पोजिशन क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड जो है डिकम्पोज हुआ उसकी वजह से, है ना। देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, हाँ चलिए, अब देखिए उसी तरह सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड के केस में भी सेम यही कंडीशन हो रहा है। ये कहाँ पे यूज होता है, तो है ठीक है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये जनरली इस टाइप का रिएक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे और है कि यहाँ पे लिखा है आपका कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसको एनर्जी का जरूरत होता है, ठीक है, किस फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ठीक है, ब्रेक होने के लिए तो उसको एनर्जी का जरूरत होता है, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जिसको चेंज होने के लिए, ठीक है, हीट का जरूरत है, तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, या फिर हम ऐसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो डिकम्पोज होता है एब्जॉर्ब करने के बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये तो आपको समझ में आ गया, चलिए। अब देखिए यहाँ पे वही लिखा है सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस एक्स इज फॉर वाइट वाशिंग, अब वैसा सॉल्यूशन सबस्टांस का नाम बताइए जो वाइट वाशिंग के लिए हम लोग यूज करते थे, तभी हम बताए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, नेम द सबस्टांस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, तो अब तो आप लिख लेंगे, ये दोनों लिख लेंगे, ठीक है, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए वो जो आप एक्टिविटी आपने 1.7 किया था, तो उसमें जो है कौन सा गैस गैस जो वो निकला था वहाँ पे, द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब एक्टिविटी डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड नेम दिस गैस, तो ये गैस का आपको नाम लिखना है, तो आप उसे करके देखिएगा और बताइएगा हमको, और अगर उसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे, है ना। अब देखिए अब आगे चलते हैं, एक्टिविटी 1.9 में आप देख पा रहे होंगे कि आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, है ना, 2 टेस्ट ट्यूब आप ले। अब 2 टेस्ट ट्यूब लेने के बाद देखिए उसमें 3 आयरन, यहाँ पे लिखा है 3 आयरन नेल, 3 आयरन का कील लीजिए, ठीक है। अब उसको क्लीन कर लीजिए सैंड पेपर से। अब 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, जिसका एक का नाम रखिए ए, दूसरा का नाम रखिए बी, और 10 ml जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लीजिए, ठीक है।
अब उसके अंदर नेल को बांध दीजिए थ्रेड से और उसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। उसको डालने के बाद अंदर पूरा इमर्ज्ड मतलब पूरा अंदर तक डाल दीजिए केयरफुली। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट बी फॉर अबाउट 20 मिनट। अब उसके अंदर तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, अब उसको 20 मिनट तक उसी तरह छोड़ दीजिए। कीप वन आयरन नेल असाइड द कंपेरिजन। अब एक तो और जो आयरन नेल है उसको साइड में रख दीजिए ताकि लास्ट में उसको कंपेरिजन कर सके, है ना। तो अब आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं देखिए, तो आप यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप क्या देखने को मिलेगा, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें भी है, ठीक है, और इसमें भी आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। लेकिन फ़र्क क्या है ये दोनों में, तो फ़र्क ये है कि दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो जरूर है, ठीक है, लेकिन एक में जो है मैंने कील को रखा था और एक में कील को नहीं रखा था। देखिए जिसमें कील को रखा उसका कलर देखिए किस तरह से चेंज हो गया, ठीक है, और जो कील था उसका कलर देखिए किस तरह चेंज हो गया, और ये जो मैंने आयरन नील को साइड में रखा था उसका कलर देखिए, इस टाइप का चेंजिंग आपको देखने को यहाँ पे मिला, ठीक है। ऊपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर में चेंजिंग हो गया और जो नेल है वो ब्राउनिश कलर में चेंज हो गया, है ना। तो जब मेरे आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाले तो आयरन के साथ क्या हो गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया और कॉपर उससे अलग हो गया, ठीक है ना। यह इस एक्टिविटी से आपको तो ये क्लियर हो गया। इन दिस रिएक्शन डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि Fe में क्या ऐड हो गया, SO4 ऐड हो गया और CO जो है वो अलग हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये डिस्प्लेस हो गया, मतलब बॉन्ड से एलिमेंट जो है डिस्प्लेस हो गया, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। उसी तरह के रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ZnCSO4 और ZnSO4। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि ZN के साथ जो है SO4 ऐड हो गया और CU अलग हो गया, है ना, ठीक है। उसी तरह आप लीड के केस में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे लीड जो है लीड क्लोराइड बन गया और ये कॉपर आपका अलग हो गया। इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग एक और बोल सकते हैं जो अपना प्लेस से डिस्प्लेस हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें को तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखिए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो गया, अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1.10 में देखें तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 3 ml जो है सोडियम सल्फेट लिए एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 ml जो है बेरियम क्लोराइड को लिए। अब दोनों को मिक्स किए, तो क्या हम ऑब्जर्व किए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है कि जब हम उसको मिक्स किए तो जो है ये दोनों वाइट सबस्टांस मिक्स करने के बाद वाइट सबस्टांस में फॉर्म में चेंज हो गया। अब वाइट सबस्टांस जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल है। अब दिस इनसोल्यूबल सबस्टांस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रिसिपिटेट। तो इसी इनसोल्यूबल सबस्टांस को हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रिसिपिटेशन, ये जो आपका प्रोड्यूस हुआ प्रिसिपिटेट, इसी को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स किए तो एक ऐसा सबस्टांस बना जो वाटर में इनसोल्यूबल होगा, सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल होगा, तो उसको हम प्रिसिपिटेट बोलेंगे। इस प्रिसिपिटेट को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए ये सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे Na2 है तो Na यहाँ से हट के SO4 का साथ छोड़ के किसके साथ ऐड हो गया, क्लोरीन के साथ, और SO4 किसके साथ जाके ऐड हो गया, Ba के साथ। तो देखिए इस रिएक्शन से पता चल रहा है यहाँ पे रिएक्टेंट में दो कंपाउंड था, अब दोनों कंपाउंड जो अपना प्लेस से डिस्प्लेस हो गया, मतलब अपना कंपाउंड का साथ छोड़ के दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर के एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दो दो एक साथ क्या हो रहा है, कंपाउंड जो है अपना प्लेस को डिस्प्लेस कर रहा है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए BSO4 क्या क्या ऐसी चीज़ मिलकर बना है, SO4 2- एंड Ba2+, ठीक है। तो इसके फॉर्म में चेंज होकर के बना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि देखिए आपका जो कम्बिनेशन ऑफ आयन हुआ, मतलब सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, ठीक है, दो कंपाउंड के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में एक्सचेंज का आयन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको, अब देखिए अब आगे चलते हैं। इस एक्टिविटी में लिखा है व्हाट वाज द कलर ऑफ
व्हाट वॉज द कलर ऑफ प्रिसिपिटेट फॉर्म, कैन यू नेम द कंपाउंड। तो ये एक्टिविटी आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं हम, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो चाइना डिश लेंगे जो 1 ग्राम कॉपर पाउडर जिसमें कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें क्या ऑब्जर्व हम कर रहे हैं। तो द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाई दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। तो देखिए आपका जो सरफेस है वो कॉपर कॉपर पाउडर का सरफेस क्या हो गया, ब्लैक कलर में चेंज हो गया, ठीक है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो ये ब्लैक सब्सटेंस में क्यों चेंज हुआ, बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि हम उसके अंदर वो क्योंकि उससे वो उसमें ऑक्सीजन जो है ऐड हो गया, किसमें, कॉपर और कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है। जिसे देखिए यहाँ पे कॉपर था, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, अब इसको हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल द ब्लैक कोटिंग ऑन द सर्फेस टर्न ब्राउन। अब अगर हाइड्रोजन गैस उससे पास होगा, ठीक है, हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड को में अब हाइड्रोजन गैस अगर पास होता है तो ब्लैक कलर कोटिंग जो था वो ब्राउन में चेंज हो जाएगा, मतलब रिएक्शन रिवर्स हो गया। तो ठीक है, उसका रिएक्शन क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन हीट किए तो कॉपर बना और वाटर अलग हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आता है, इफ सबस्टांस गेंस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, इफ अ सबस्टांस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस मतलब ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करना चाह रहे थे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको बोलते हैं। अभी फिर से हम आपको समझाते हैं नीचे से। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है आपका कॉपर ऑक्साइड, है ना, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन क्या किया, ये लॉस किया, ऑक्सीजन को क्या किया, लॉस किया। तो लॉस किया तो यहाँ क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अब देख पा रहे होंगे कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को लूज़ किया तो रिडक्शन हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या किया, गेन किया, ऑक्सीजन गेन किया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, इन अदर वर्ड रिएक्टेंट गैस गेट्स ऑक्सीडाइज व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन, सच रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए तो ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसमें कि ZN है, अब ये क्या हुआ, ऑक्सीजन लूज़ किया, ठीक है, ऑक्सीजन लूज़ किया तो क्या हो गया, रिडक्शन। और कार्बन जो है ऑक्सीजन गेन किया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये भी रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, फिर ये भी, ठीक, उसी तरह ये भी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इफ ए सबस्टांस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज्ड। अब अगर वैसा सबस्टांस जो ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लॉस करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। अब इफ ए सबस्टांस लॉस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। तो वैसा सबस्टांस जो ऑक्सीजन को लूज करता हो और हाइड्रोजन को गेन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिड्यूस्ड, ठीक है, यानी रिडक्शन। समझ में आ गया, चलिए अब आगे चलते हैं। तो एक्टिविटी 1.1 में कुछ इसी तरह से मैंने बात किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, तो आप उसे रिकॉल करके देख सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कोरिजन। कोरिजन क्या होता है जनरली, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि यू मस्ट ऑब्जर्व डेट आयरन आर्टिकल आर साइनी। तो आप जानते हैं कि आयरन आर्टिकल जो है बहुत साइनी होता है, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखते होंगे, कुछ समय के बाद उसमें जो है रेडिश ब्राउन पाउडर की तरह कुछ समय बाद उसमें कोटेड हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस का कॉमनली नॉन एज रस्टिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन सम अदर मेटल ऑल्सो गेट ट्रांजिट इन दिस मैनर। अब देखिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ आयरन ही इस तरह का रस्टिंग होता है, और भी मेटल्स हैं, जो बहुत सारे मेटल हैं वो भी इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। लेकिन इसका कलर जो है आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। सिल्वर जो है ब्लैक टाइप से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आयरन जो है ब्राउन आपको देखने को मिलेगा, तो ठीक है। आपने देखा होगा सिल्वर जो है ब्लैक हो जाता है। व्हेन अ मेटल अटैक्ड बाय सबस्टांस अराउंड इट सच मॉइस्चर एसिड एटसेट्रा। अब किसके अटैक से, तो आसपास सराउंडिंग में मॉइस्चर है, एसिड है बहुत सारा, है ना, तो उसके अटैक से इट इज सेड टू बी कोरेड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरेजन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरेजन बोलते हैं, ठीक है।
द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटेड ऑन कॉपर, कॉपर में कैसा हो जाता है, ग्रीन कोटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग एग्जाम्पल है, एक अदर एग्जाम्पल है कोरिजन का। अब इससे कोरिजन को लेकर के बहुत सारा डैमेज होता है इसके कारण, क्या क्या होता है, तो कार का बॉडी, ब्रीज, आयरन रेलिंग, सीप, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ जो है वो एवरी ईयर जो है आपको क्या होता है, खराब होता है इसके कारण, कोरिजन के कारण। अब आगे देखते हैं, अब रंसिडिटी के बारे में बात करते हैं कि रंसिडिटी होता का क्या है, ठीक है। तो रंसिडिटी क्या होगा, तो आप जानते होंगे कि हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब तो बहुत सारा फूड मटेरियल को देखे होंगे जो बहुत दिनों तक जब हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो वो कैसा हो जाता है, उसका टेस्ट जो है खराब हो जाता है या फिर गंदा स्मेल करने लगता है, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो जब फैट्स और ऑयल जो है ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ जाता है, तो वो रेंसिड हो जाता है, ठीक है। तो इसका स्मेल कैसा हो जाता है, तो चेंज हो जाता है, और टेस्ट भी उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यूजुअली सबस्टांस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटी ऑक्सीडेंट प्लेस टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। तो इस तरह की चीज़ों को हम बताने के लिए हम लोग क्या जिम्मे रखते हैं उसको, तो ऑयल में रखते हैं, ठीक है। और हम लोग कोई ऐसा गैस में रखते हैं उसको, जैसे आपने देखा होगा चिप्स आपने खाया होगा, तो चिप्स का पैकेट जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा होता है, क्यों, क्योंकि ताकि वो बाहर के एयर से या फिर ऑक्सीजन से वो रिएक्ट ना कर पाए, रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसीलिए उसको नाइट्रोजन गैस के अंदर डाला जाता है ना। तो और ऑयल में भी रखा जाता है, जिससे पिकल अचार को ऑयल में रखते हैं ना, इसी चीज़ को बचाने के लिए। और कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, तो ये क्या करता है, तो ऑक्सीडेशन होने से इसको बचाता है। चिप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये तो था आपका है कि एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरह से जो है डैमेज करता है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है कुछ, तो हम देख लेते हैं कि Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? तो copper sulfate solution जब हम लिए थे उसके अंदर iron को डाले थे, iron nail को, तो वो उसका जो है color change क्यों हुआ था उसके बारे में, ठीक है। तो आपको पता है कि उसमें reaction क्या था, तो मैंने आपको बताया है, तो आप कोशिश कीजिएगा उसको बनाने के लिए, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एक्टिविटी 1.10 में मैंने पढ़ा, तो उसका रिएक्शन के बारे में यहाँ बोल रहा है, तो आप रिएक्शन उसको दे दीजिए एग्जांपल में जो मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए ये जो दो रिएक्शन है इसमें आपको पहचानना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये दो रिएक्शन है, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का, ठीक है। और अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपका कमेंट पढ़ के आपका डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँ, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज है जो आपका, इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है हम किसी वीडियो में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे कंसेप्ट आपको समझ में आया हो या फिर अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ